दोस्तों, अगर आपका कंटेंट गूगल में इंडेक्स नहीं हो रहा है, आपका कंटेंट रैंक नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को देखते रहे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रैंकिंग के बारे में नहीं, इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट होता है, भाई हमारा कंटेंट गूगल में दिख ही नहीं रहा है। तो गूगल में नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब ये वो समझ लेते हैं कि हमारा कंटेंट इंडेक्स ही नहीं हुआ है। देखो, गूगल रैंकिंग अलग चीज़ होती है और गूगल इंडेक्सिंग अलग चीज़ होती है। अगर आपका कंटेंट, आपने कोई भी कंटेंट लिखा, वो कंटेंट गूगल को पता चल गया कि हाँ भाई ये पोस्ट है, उसने इंडेक्स कर लिया, तो वो आपको दिखेगा कि हाँ इंडेक्स है। लेकिन गूगल के सर्च रिजल्ट में आपका कंटेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका कंटेंट इंडेक्स है बट वो रैंक करने लायक नहीं है और वो रैंक नहीं है बस। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है गूगल रैंकिंग और इंडेक्सिंग में। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आप अपनी इंडेक्सिंग इशू को फिक्स कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रैक्टिकल गाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे फॉलो करिए और डेफिनेटली आपका कंटेंट गूगल में इंडेक्स हो जाएगा। अगर वो रैंक करने लायक रहेगा तो रैंक भी करेगा, वो डिपेंड करता है कि रैंकिंग की सारी चीज़ें आपने फॉलो करी हैं कि नहीं। इसीलिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि कैसे आप अपना कंटेंट रैंक कर सकते हो गूगल में, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। चलिए अभी इंडेक्सिंग वाली प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। देखो, पहले क्या होता था, हम गूगल न्यूज़ का अप्रूवल ले लेते थे। ठीक है, अभी बहुत से लोग पूछ रहे हैं क्या गूगल न्यूज़ का अप्रूवल मिल रहा है, तो यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया है गूगल न्यूज़ का अप्रूवल यहाँ पे लेने के लिए, मैंने ट्राई किया, नहीं मिल रहा है अभी। और इसके ऊपर आप देख सकते हो डिटेल वीडियो की, मतलब क्या अपडेट है गूगल न्यूज़ का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे दे दूंगा, देख सकते हो। गूगल न्यूज़ का अप्रूवल जैसे ही मिल जाता था पहले, तो हमारी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम फिक्स हो जाती थी। लेकिन अभी के टाइम पर गूगल न्यूज़ का अप्रूवल तो नहीं मिल रहा है, तो इंडेक्सिंग कैसे हम करेंगे, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइंड मैप क्रिएट किया है एंड 6 पॉइंट में आप अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। रैंक मैथ आप यूज करते हो अपनी पोस्ट, अपनी वेबसाइट के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, कॉन्टेंट अच्छे से लिखने के लिए। तो यहाँ पर रैंक मैथ के अंदर एक फीचर होता है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे रैंक मैथ के डैशबोर्ड में आप जाइएगा, एक चीज़ आपको इनेबल कर लेना है, वो है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ पे आप देखो, ये है इंस्टेंट इंडेक्सिंग एंड यहाँ पे इसे आप इनेबल कर लेना, ठीक है। और इंडेक्स नाउ API पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही ये पोस्ट ओपन हो जाएगा, इसे आप पढ़ सकते हो कि कैसे इंस्टेंट इंडेक्सिंग बेसिकली काम करता है और कैसे इसे इनेबल कर सकते हो। तो ये यहाँ पे पूरा गाइड भी दिए हैं, चलिए हम आपको गाइड देके बता देते हैं आप क्या करना है आपको। तो इसके अंदर आपको क्या करना है ना, रैंक मैथ के अंदर आपको क्या करना है, इसे इनेबल कर लेना है एंड सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सबमिट URL, इसके अंदर बल्क में आप अपने पोस्ट के URL यहाँ पे डाल के सबमिट कर सकते हो, वो इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए अप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे सेटिंग में आप जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो क्या क्या हम इंस्टेंट इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जैसे पोस्ट, पेजेस, मीडिया। तो बेसिकली हम पोस्ट और पेजेस ही इंडेक्स करना चाहते हैं, तो ये हम चेक करेंगे। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर लेना है। जब सेव चेंजेस पे क्लिक हो जाए ना, फिर आपको क्या करना है, पोस्ट में जब जाओ, ठीक है, पोस्ट में जाओगे एंड यहां पे मैं पेजेस में जाता हूं क्योंकि मेरा इसमें कोई यहाँ पे बेसिकली पोस्ट नहीं है। तो देखो यहाँ पे, देखो जैसे ही हम पोस्ट के नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा है इंस्टेंट इंडेक्सिंग सबमिट पेज। जैसे ही आप सबमिट पेज पे क्लिक करोगे ना, अभी देखो ये आपका इंस्टेंट इंडेक्सिंग यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। देखो, वन पेज सबमिटेड टू इंडेक्स नाउ। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग वाली प्रॉब्लम रैंक मैथ का ये जो इंस्टेंट इंडेक्सिंग है, इससे फिक्स कर सकते हो। एंड चलते हैं अब दूसरे, यहाँ पे दूसरे पॉइंट की तरफ जिसे आपको फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट है हमारा गूगल सर्च कंसोल मैनुअल इंडेक्सिंग। गूगल सर्च कंसोल के अंदर मैनुअल इंडेक्सिंग भी आप कर सकते हो। उसे कैसे करना है, गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन हो जाइए। गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी आपका URL यहाँ पे इंडेक्स नहीं हो रहा है, उसे यहाँ पे पेस्ट करिए, ठीक है, सर्च करिए। पेस्ट करने के बाद आप जब सर्च करोगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे बेसिकली आपका डेटा दिखेगा। आपको दिखेगा कि आपका जो URL है वो गूगल पे इंडेक्स है या नहीं है, ठीक है। अगर आपका गूगल पे इंडेक्स नहीं दिखा रहा है, मतलब गूगल जैसे लिख देगा आपका पेज इज नॉट अवेलेबल ऑन गूगल, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टेस्ट लाइव URL दिखेगा उसके अंदर, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप टेस्ट करोगे ना, तो ये टेस्टिंग करेगा एंड देन उसके बाद अगर वो दिखाए कि हाँ गूगल पे आपका यहाँ पे बेसिकली URL आ चुका है, तो यहाँ पे समझो कि अब धीरे धीरे आपका इंडेक्सिंग फिक्स होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बताता हूँ, इसके टेस्टिंग लाइव URL होने देते हैं, आगे इसके बाद बात करते हैं।
ठीक है, तो जैसे ही मैंने टेस्ट लाइव यूआरएल किया, देखो यहाँ पे बोल रहा है यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। तो यहाँ पे अगर बोल रहा है कि गूगल पर अवेलेबल नहीं है, बाय द वे आपका बोल सकता है अगर यूआरएल अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे नीचे दिखेगा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो मैन्युअली आपका रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग होगा। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, सबमिटिंग हो गया, देखिए इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड। अब हमें इसे डिसमिस कर देना है, बस हमारा एक बार यहाँ पे इंडेक्सिंग मैन्युअली कर दिया। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना है, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके यूआरएल के अंदर। अगर आपके यूआरएल के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो पहले उसे फिक्स करना होगा, तभी आपका कंटेंट है जो पोस्ट है वो इंडेक्स होगा। ठीक है, तो मेरे केस में सारी चीज़ें सही हैं, यहाँ पे सब ग्रीन है, तो आपके केस में भी होना चाहिए अगर आप इंडेक्स करना चाहते हो। यहाँ से हम मैन्युअली इंडेक्सिंग कर लिए, अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में क्या करना है, इंटरनल लिंकिंग आपको करनी है। अब वो मैं आपको बताता हूँ इंटरनल लिंकिंग आपको कैसे करना है। जैसे मेरा एक ये साइट है, मैं इंटरनल लिंकिंग के बारे में इसमें बता रहा हूँ। जैसे ये पोस्ट में ओपन कर देता हूँ, हाउ टू इंक्रीज वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड इन 2024। तो ये मैंने पोस्ट ओपन किया एंड इंटरनल लिंकिंग, देखो अगर आपका कोई पोस्ट ऐसा है जो गूगल पे रैंक कर रहा है ना, तो उस यूआरएल को अपने किसी और पोस्ट के यूआरएल में इंटरनल लिंक करिए। कैसे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एसईओ है, तो मैंने एसईओ को इंटरनल लिंक किया है। वैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखो सर्च रैंकिंग है, तो हाउ टू रैंक ऑन गूगल वाला जो पोस्ट मैंने लिखा था वो सर्च रैंकिंग में मैंने इंडेक्स किया है, तो इसे इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। अगर आप इंटरनल लिंकिंग प्रॉपरली थ्रू आउट द अपने कंटेंट करेंगे ना, तो बिल्कुल आपका कंटेंट ये रैंक होगा गूगल में एंड फटाफट इंडेक्स भी हो जाएगा, रैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है और इंडेक्सिंग तुरंत होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो जनरेट प्रेस है, तो मैंने जनरेट प्रेस को लिंक किया। उसी तरह नीचे की तरफ आते तो मैंने तीन चार यहाँ पर लिंक कर दिया एंड यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग आप चाहो तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक तरह से और कर सकते हैं। जैसे रीड मोर आप लगा के नीचे और भी पोस्ट लगा सकते हो अगर आपका यहाँ पे नीचे कोई जैसे रिलेटेड पोस्ट नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से लगा सकते हो एंड यहाँ पे इस तरह से इंटरनल लिंकिंग काम करता है और आपका कंटेंट इंडेक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, सोशल ट्रैफिक आप अपनी साइट पर लेके आइए। जी हाँ, अगर आप अपनी वेबसाइट पे सोशल ट्रैफिक लाओगे ना, तो डेफिनेटली उससे हमारी इंडेक्सिंग इशू फिक्स हो जाती है। देखो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, साथ ही साथ यहाँ पे लोग आजकल सीधे गूगल में बोल देते हैं, वीडियो में बोल देते हैं कि भाई आप जाइए, जैसे मैं बोलता हूँ bloggingskill.com पे जाइए, तो बहुत से यूजर हैं जो bloggingskill.com पे जाकर पढ़ते हैं, उन्हें पसंद आता है कॉन्टेंट। ठीक है, तो उस तरह से भी आपका इंडेक्सिंग इशू फिक्स हो जाएगा, तो सोशल ट्रैफिक आना जरूरी है अभी। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, पुश नोटिफिकेशन जरूर यूज करिए। पुश नोटिफिकेशन से क्या होगा, जैसे जैसे आपके ऑडियंस आएगी वो सब्सक्राइब करेंगे पुश नोटिफिकेशन के थ्रू, और जैसे ही कोई नया पोस्ट आप डालोगे वो नोटिफिकेशन जाएगा उनके पास और वहाँ से भी इंस्टेंट ट्रैफिक आपको मिलने लगता है। और जब इंस्टेंट ट्रैफिक मिलता है तो आपका कंटेंट केवल इंडेक्स ही नहीं होता है, वो गूगल डिस्कवर में भी जाता है, जब आपको ह्यूज अमाउंट में आपको बेसिकली पुश नोटिफिकेशन से ऑडियंस आपके कंटेंट पे आती है, तो आपका कंटेंट डिस्कवर में जाएगा और भी ज़्यादा आपको यहाँ पे बेसिकली पुश नोटिफिकेशन में सब्सक्राइबर मिलेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा आप अर्निंग भी कर सकते हो अगर डिस्कवर में आपका कंटेंट गया। तो इंडेक्सिंग के लिए पुश नोटिफिकेशन भी हेल्प करता है एंड इसे ज़रूर आपको यूज करना है। लास्ट हमारा पॉइंट है और ये पॉइंट है बैकलिंक्स। आपको बैकलिंक्स भी बनाना है अगर इंडेक्सिंग को फिक्स करना है और रैंकिंग प्राप्त करना है। देखो बैकलिंक्स बहुत ही हेल्पफुल है, आप अपने रिलेटेड वेबसाइट से, जैसे ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग वाले साइट से जाइए, बायोग्राफी है बायोग्राफी वाले साइट से जाइए, फाइनेंस है फाइनेंस वाले के साथ जाइए और वहाँ से बैकलिंक्स बनाइए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका कंटेंट रैंक भी धीरे धीरे होने लगेगा एंड आपको बहुत सारा लिंक जूस जब मिलेगा ना, तो आपकी इंडेक्सिंग इंप्रूव हो जाएगी। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, बैकलिंक्स ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत बना लेना, भाई ये सारी चीज़ें आप करिए, बैकलिंक्स धीरे धीरे बनाते रहिएगा। और ये एक दिन का तो काम नहीं है कि एक बार बना दिए छोड़ दिए, तो धीरे धीरे आपका चलता रहेगा, जहाँ से मिल जाए बैकलिंक्स धीरे धीरे तो वो बनाते रहना है। तो इस तरह से बेसिकली आप अपनी इंडेक्सिंग इशू को फिक्स कर सकते हो और जो प्रोसेस मैंने बताया इसे फॉलो कर लीजिए बस। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ब्लॉगिंग एसईओ मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड आपको कंटेंट देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।